हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए देखिए, आज आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। रंग बिरंगा ज़र्रा, रंग बिरंगी ज़र्रा, मावे वाला। तो चलिए देखिए, रंग बिरंगी मावा ज़र्रा। तो देखिए, हमने उसके लिए चावल पहले से भिगो दिए थे, आधा किलो चावल है। और ये देखिए, हमने उसको उबाल लिए हैं। और ये सेला चावल है, हमने इसको 2 घंटा भिगो दिया था पहले से, तो उसको हमने देखिए उबाला है। अब ये देखिए, हमने इसको अच्छे से उबाला है। इसमें 2 कनी रह गई थी चावल में, तब हमने इसको उतारा है। और ये देखिए, देसी घी डाला है, इसमें हरी इलायची डाल दी है, और ये उबला हुआ चावल डाल दिया है। तो गाइस, बहुत ही टेस्टी ज़र्दा बन के तैयार होगा। प्लीज़ गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए, ये हमने चावल डाल दिया था, अब हम इसको चला लेंगे घी में। इसको एकदम अच्छे से मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें, ये देखिए, आधा किलो चावल है और आधा किलो इसमें शक्कर हमने डाली है। तो ये देखिए, ये ज़र्दे में बराबर की शक्कर पड़ती है, तो ही ज़र्दा अच्छा बनता है। तो गाइस, चलिए मावा ज़र्दा देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। देखिए, उसके लिए हमने ये आधा किलो चावल में 1.25 किलो खोया लिया है, मावा लिया है, ताज़ा मावा है ये। और काजू लिए हैं हमने। तो ये देखिए, मावे को हम इस तरह से डालेंगे और उसके ऊपर चावल डाल देंगे, तो मावा जो है मेरा घुटेगा नहीं, वो जो है जम उसी में जो है वो जम जाएगा, घुटेगा नहीं, चावलों में मिक्स नहीं होगा। बस जब हम खाएंगे तो ऐसे ही मावा निकलेगा जैसा हमने डाला है। और ये देखिए, इसमें काजू भी डाल दिए थे। अभी देखिए, इसमें ग्रीन कलर, फूड कलर है ग्रीन, ये रेड कलर है। और देखिए, अब ये येलो कलर है, तो हमने 3 कलर डाल दिए। इसमें ऑरेंज कलर नहीं डाला है हमने। तो अब जब ये दम पे हो जाएगा, जब हम इसको, ये देखिए, हमने इसमें ये डाल दिए चेरीज, थोड़ी बच्चों को अच्छी लगती है खाने में, और बुड्ढों को भी, बड़ों को भी, सबको पसंद है चेरी। तो गाइस देखिए, ज़र्दा बन के तैयार हो गया है, ये दम पे लग गया था। ये देखिए, इसमें खोया हमने इस तरह से डाला है, खोया घुटा नहीं है बिल्कुल भी, परत के स्टाइल से डाला था, तो वो नीचे जो है चावलों के ऊपर खोया उसी में बराबर जम जाता है। तो देखिए गाइस, ज़र्दा बन के तैयार हो गया है। तो प्लीज़ गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ गाइस, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।